किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि छोड़कर अब हर सहारे को, भरोसा खुद पर कर लिया है मैंने। दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं, उन उम्मीदों को फिर से जिंदा कर लिया है मैंने। तो दोस्तों, ये कहानी है उस भरोसे की, उस विश्वास की। एक बार एक आदमी एक पार्क में जाकर काफी मायूस सा बैठा था। थक गया था वो खुद से, खुद की जिंदगी से, दिक्कतों से, हर एक उलझनों से। उसके इतने मेहनत और लगन के साथ काम करने के बावजूद भी उसका कंपनी काफी घाटे में चल रहा था। वो अब अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। सब कुछ से परेशान वो ये सोच रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए, हार मान लिया जाए या खुदकुशी कर लिया जाए। और फिर भी उसके दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। तभी वहां पहुंचे एक और बुजुर्ग आदमी, जो जाके उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि दिक्कत क्या है, तुम परेशान से क्यों बैठे हो। वो आदमी उन्हें सब कुछ बताया, अपनी सारी समस्याओं के बारे में खुल के बात किया। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसे 10 लाख रुपए का एक चेक निकाल के दिया और कहा कि मेरा नाम थॉमस रिचर्डसन है और मैं एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक हूँ, ये कुछ पैसा लो और इसे अपने काम में लगाओ, और जब वापिस फिर से अच्छी कमाई शुरू हो जाए तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना, यहीं पे एग्जैक्टली 2 महीने बाद। वो आदमी घर चला गया, पर जाके उसने सोचा कि अब पैसे तो आ गए, बस आगे काम में लगाने की बारी। उसने उस चेक को जाकर अपने रूम में रख दिया और पहले जो घर के कुछ बचे कुचे पैसे थे उसे काम में लगाया। उस पैसों से पैसा आया, फिर उसे काम में लगाया और ऐसे ऐसे करके उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसे उस चेक का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और एग्जैक्टली 2 महीने बाद वो उसी वक्त जाके पार्क में उस आदमी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बिता और तभी वहां पे पहुंचे थॉमस रिचर्डसन। उस आदमी ने उन्हें सब कुछ बताया और हंस के उन्हें उनका चेक वापिस करते हुए कहा कि इसका तो जरूरत पड़ा ही नहीं, पर बिना इस्तेमाल के भी इसने बहुत कुछ कर दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहां पे पहुंचे 2 नर्स और एक वर्कर, जो उस बुजुर्ग आदमी को जबरदस्ती पकड़ के ले गए। जाते जाते उन्होंने उस आदमी से पूछा कि कहीं उसने उन्हें कुछ किया तो नहीं, क्योंकि वो आदमी पागल था जो खुद को एक बहुत ही बड़े कंपनी का मालिक बताया करता था और थॉमस रिचर्डसन के नाम से दूसरों को चेक बांटा करता था। वो दूसरा आदमी हैरान हो गया इस बात को जान के कि एक पागल का दिया हुआ एक झूठा चेक के चलते आज वो इतना आगे बढ़ पाया। जिंदगी में, मेरे आपके हम सबकी जिंदगी में, सफलता की ओर के हमारे रास्ते में जो सबसे बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है वो है विश्वास। वो आदमी आगे बढ़ पाया इसलिए नहीं कि उसे पैसे मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस चेक के चलते उसके अंदर ये विश्वास आ गया था कि वो आगे बढ़ सकता है। तो चाहे सब कुछ हार जाओ, सब कुछ गवा बैठो, पर कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जब तक विश्वास है तब तक जीत है। अगर मुसीबत है तो मुस्कुराता चल, तकलीफों को पैरों के तले दबा कर चल। मंजिलों की औकात नहीं जो तुझसे दूर हो जाए, तू विश्वास को इस कदर खुद में जगा कर चल। तो दोस्तों, मैं हूं अभिलाष मेहर और मुझे आपके आत्मविश्वास पे विश्वास है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोस पर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे द रियल यू।